अब तो फोन नया खरीदा ही नहीं जा सकता क्योंकि फोन सस्ता होगा, टैक्स ज्यादा होता है। हरे राम हरे राम हरे राम। इन भूखे नंगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं होते। एप्पल मोबाइल के इंडिया में आ जाने से ये तड़फ रहे हैं, यदि एसएमएल कंपनी यदि सब पाकिस्तान छोड़ के भाग चुकी है क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही हैं। इस पूरे संसार में जितनी भी प्रजातियां, उन प्रजातियों में एक प्रजाति का नाम है मुसलमान, और ये विक्टिम कार्ड इतना अच्छे से प्ले करते हैं, चाहे वो पूरे विश्व में कहीं का भी मुसलमान हो, इस सबसे अच्छा विक्टिम कार्ड अगर कोई खेलता है तो ये मुसलमान खेलते हैं। और उन मुसलमानों में भी सबसे आगे है पाकिस्तानी मुसलमान, कि पूरी दुनिया हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो जय हिंद दोस्तों, डीएसए के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल का, जिनके वीडियो का टाइटल है एप्पल स्टोर भारत आने से पाकिस्तानी मौलाना ने खोया अपना आपा। तो वीडियो शुरू करते हैं। एट दिस ओपनिंग ऑफ द एप्पल स्टोर, एप्पल आईफोन ने भी भारत के अंदर एक आउटलेट खोल दिया, एक मुंबई में खोल दिया, बीकेसी में, एक दिल्ली में खुल जाएगा साकेत में। और मुंबई वाले की ओपनिंग करने आए थे एप्पल के सीईओ टीम को। तो पाकिस्तानी को जलने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। ये मुद्दा तो बहुत बात का है कि भारत में एप्पल स्टोर खुल गया और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग करना तो बहुत दूर की बात, जो असेंबल करती थी वो फैक्ट्री अभी बंद हो गई है, वो भी ताले लगा के चले गए। डॉलर बहरान, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां बंद, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। एलसी ना खुलने की वजह से 400 इंजीनियर समेत 3000 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। मुल्क में जारी माली व डॉलर बहरान के बाइस मकामी सतह पर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगने वाली यूनिट भी बंद होना शुरू हो गई। ऑटो कंपनियों के बाद मोबाइल फोन्स बनाने वाली कंपनियों ने भी मोबाइल फोन असेंबलिंग यूनिट्स बंद करना शुरू कर दिए, जिससे हजारों मुलाजमतें बेरोजगार होने का इंकशाफ हुआ। डॉलर की कमी के बाइस पहले इंडस मोटर और किया मोटर्स ने अपनी प्रोडक्शन को आरजी तौर पर बंद किया। अब तीन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने सेल फोन असेंबलिंग यूनिट्स को बंद कर दिया है। यही तो कयामत है। एक और कमाल की बात, पिछले 7-8 महीने से पाकिस्तान में कोई नया फोन लॉन्च ही नहीं हुआ क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, असेंबल कंपनियां थी, सब पाकिस्तान छोड़ के भाग चुकी है क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और ऐसे में एप्पल इंडिया आ जाए तो भाई पाकिस्तानियों तो गर्म तवे पे रखे पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे, बिल बनाने लगे, कलेजा फट गया और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया कि भारत में एप्पल स्टोर आ गया, भारत में एप्पल स्टोर आ गया। और नहीं तो क्या, इन भूखे नंगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं होते। एप्पल मोबाइल के इंडिया में आ जाने से ये तड़फ रहे, मगर बदकिस्मत ही देखिए, और इन गधों को ये भी नहीं पता कि भारत के अंदर तो एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। जरा सोचिए, तो हमें ना पाकिस्तानी को ज्ञान दुरुस्त करने के लिए और इनके जले पे नमक छिड़कने के लिए ऐसे नहीं चले। ऑफिशियली एप्पल इंडिया में आने के बाद में पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है ये देख। पहली बार इंडिया में एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं जी। और वो क्या उनकी सेलिब्रेशन, भारी सरमायाकारी की है, प्रोडक्शन भी शुरू की है, वहीं पे फ्लैगशिप स्टोर भी हो गया है और हम यहाँ पीटीए भर भर के मर गए। इंडिया का पहला ऑफिशियल एप्पल स्टोर मुंबई में ओपन हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए, ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, लेकिन एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है। आज मैं एक यंग लड़के से मिल रहा था, वो कह रहा था कि जो मुझे इस चीज़ की तकलीफ है ये है कि हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है एप्पल, उसके टिम कुक जो हैं वो माधुरी के साथ खाना खा रहे हैं। पहला एप्पल स्टोर ओपन लाहौर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है, कि आखिर क्या वजह है? पाकिस्तान भी दुनिया की पांचवी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा लोग मोबाइल यूज भी करते हैं और खरीदते भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल की अगर बात करें, इवन सैमसंग भी यहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हटा चुकी है, चाइनीज कंपनी भी काफी हद तक यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग खत्म करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज का ट्रस्ट पाकिस्तान से कम होता नजर आ रहा है? मतलब अब तो फोन नया खरीदा ही नहीं जा सकता क्योंकि फोन सस्ता होगा, टैक्स ज्यादा होता है। हरे राम हरे राम हरे राम। तो ये हमारे यहाँ हो रहा है और ये आप तस्वीरें देख लेना, ये उनके यहाँ हो रहा है। जली ना तेरी भी जली ना, भाई चल कर रहे हैं, इकोनॉमी भी अच्छी उनकी चल रही है, थोड़े से मॉडरेट भी हैं, थोड़ा सा अच्छा बात नहीं है।
पाकिस्तान की मीडिया तो छोड़ो, पाकिस्तान की आवाम भी छाती कूट रही है कि एप्पल कैसे इंडिया में आ गया। दुनिया के कंट्रीज, अगर इंडिया की बात करें, जैसे मैंने बोला है, वहाँ पे अभी रिसेंटली आज कल की खबर है कि वहाँ पे एप्पल स्टोर ओपन। सुने, देखे, कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की हुकूमत आई, ठीक है, उसमें ओप्पो कंपनी भी आई पाकिस्तान में, इन्फिनिक्स कंपनी भी आई, टेक्नो भी आई, सैमसंग भी आई, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई, सैमसंग भी आई जी, उन्होंने लगाई, उससे पहले ओप्पो तो उससे पहले की भी यहाँ पे कर लगाई, उन्होंने लगाई। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, ठीक है, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद की, चले गए। आपने भी देखा कि जो चीज एक 35,000 रुपए की थी, वो इमरान खान की हुकूमत के बाद 60,000 रुपए को हाथ लगाया उन्होंने जाके, ठीक है। अब एक चीज कंपनी हमें पहले 35,000 रुपए की दे रही थी, वो 60,000 रुपए की कैसे देगी, ठीक है। टैक्सेस इतने लगा दिए उन्होंने, उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद की, अपने जिधर पहले उनके गोदाम थे, जो भी फैक्ट्री थी, उधर चले गए। आपके पास अब आप यहाँ के बड़े ऐसे मोबाइल हैं, इवन अगर आईफोन की बात करें या और दूसरे मोबाइल हैं, जो कि कंपनियां बाहर की हैं, वहाँ की असेंबलिंग इंडिया से या चाइना से होती है और फिर पाकिस्तान में सेल होती है। हम आपस में लड़ाई, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने कि देखो इंडिया का कह रहे हैं कि यार इंडिया ये हमारे से नीचे है फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज 20,000 रुपए की है, उधर जाके देखें आपको वही चीज 10,000 रुपए में मिलेगी। 10,000 आपने ज्यादा बताया है, वो 6,000 में पाल दे रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। ये ही लोग है, ये लोग अवाम का ना सोच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। कि अल्लाह के नबी का भी हुक्म था कि यहूदो नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही हैं। इस पूरे संसार में जितनी भी प्रजातियां, उन प्रजातियों में एक प्रजाति का नाम है मुसलमान, और ये विक्टिम कार्ड इतना अच्छे से प्ले करते हैं, चाहे वो पूरे विश्व में कहीं का भी मुसलमान हो, इस सबसे अच्छा विक्टिम कार्ड अगर कोई खेलता है तो ये मुसलमान खेलते हैं। और उन मुसलमानों में भी सबसे आगे है पाकिस्तानी मुसलमान, कि पूरी दुनिया हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदो नसारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है? इमरान खान के दौर में आपने कहा आ जाती है, मैं वही बात बताता हूँ, चाइना वाले भी तो नॉन मुस्लिम है ना। मैं वही बात बताने लगा हूँ ना कि ऐसा ऐसा निशानियां तो ऐसी पूरी होनी है ना। अब चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे कोई और हुक्मरान आ जाए, ऐसा ऐसा वही बयाना है। ये इस्लाम ने फैलना है, इसी तरह ही फैलना है। ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को उन्होंने मुआशी तौर पर उन्होंने करना ही करना जवाल। गाय भैंस बकरी भी तुमको देख के उल्टे पैर दौड़ने लग जाती है, तो भाई तुम्हारी कौन सी तरक्की से दुनिया जलती है और कौन सी वो दुनिया जो तुमको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती। थोड़ा इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहूद नसारा जिन्हें हम कहते हैं दुश्मन है, कभी सके नहीं हो सकते, यहाँ पे सारे आप इस टाइम कैमरा मैन अगर घुमाए, हर प्रोडक् ट हर चीज यहाँ पे उन्हीं की है, हम एक तरफ खरीदते भी हैं फिर उनके खिलाफ भी बात करते हैं। दूसरे नंबर पे वो यहाँ से कंपनी उन्हें तो चाहिए फिर यहाँ लेके आए। सऊदी हमारी मदद को क्या तैयार नहीं है? अभी भी नहीं तैयार है। वो तो है भी मुस्लिम है, उसके बारे में क्या? नहीं, वो मुस्लिम तो एक नाम की है, आपको भी पता वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं भी देख के आया हूँ सारा कुछ वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे नियोन शहर बन रहा है, वहाँ पे जुए खाने क्लब सारा कुछ, सिर्फ अब ये नाम के मुस्लिम रह गए हैं, चाहे यूएई है, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे वो भी है। और औरतों को उन्होंने क्या क्या, सबसे ज्यादा औरतों को उन्होंने स्प्रेड कर दिया वहाँ पे। अब जो एक सिम भाई राइट दे दिए, और तो ये राइट नहीं होते, आसलम के दौर में भी तो यही था ना, लेकिन औरतों को घर से निकलने की इजाजत मजबूरी की हालत में थी। अब वहाँ पे क्या है कि जिसने सिम बेचनी है ना, औरत ने बेचनी है। सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया में मुसलमान है या अच्छा मुसलमान है वो कौन सा? इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक हो गए मुसलमान है ना, वो तुर्की बने हैं, जिन्होंने हमेशा ही बाहर की ताकतों का बायकॉट किया, और उसके बाद फिर था सद्दाम हुसैन, उससे पहले था। मेरी बात सुने, थोड़ा सा देखें, ये डिस्कशन करने से पता क्या होता है, थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा, थोड़ा मेरे पास आ जाएगा। आपने बिल्कुल सही बात है, तुर्क का बोला कि वो सबसे ज्यादा मुस्लिम है या अच्छे मुस्लिम है। आपको पता है यूरोप को कितना फॉलो वो कर रहे हैं, और वो अपने आप को इस्लामिक कंट्री तो है, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि भाई हम सेकुलर है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, कि जो उनके कुछ जो लोग है ना, कुछ परसेंट लोग मुसलमान काफ़ी हद तक है, क्योंकि मैंने देखा है आशिक रसूल भी हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता है फाशी भी वहाँ पे भी है, तुर्की में है, क्यों नहीं है? आपने कहा सबसे अच्छे मुसलमान, इसका मतलब है हमें अपने आप को ठीक करना है, मुझे और आपको अपने आप को ठीक करना है। मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान है, हमें अपने इस्लाम को फॉलो करना है, लेकिन बिजनेस में हर चीज में हम ये कर देंगे वो नॉन मुस्लिम है उससे बिजनेस नहीं करना, नुकसान उनका नहीं, नुकसान हमारा हो रहा है काफी हद तक हमारा हो चुका है। तो मेरे भाई तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता, तुम्हारी जो हरकत है ना वही तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरों पे इल्जाम मत डाला करो, विक्टिम कार्ड मत खेला करो। तो आईफोन इंडिया के अंदर आ गया है, आईफोन 15 आपका भाई भी ले ले, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। ये बात है, और लाइक टारगेट रखते हैं 12,000 का, करवा दीजिए भैया। ओके भाई, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो दोस्तों इसी के साथ जो वीडियो वो समाप्त होता है। यार ये बहुत खुशी की बात है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अब आईफोन हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ वापस। जय हिंद, वंदे मातरम।